हाँ भैया, वीडियो शुरू होने से पहले मैं बधाई देना चाहता हूँ रणबीर कपूर को, क्योंकि संजू की पहली फिल्म होने वाली है जो कि 200 करोड़ क्लब में पहुंच जाएगी। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ आपका राहुल भोज एंड वेलकम टू योर चैनल। देखिए जी, रणबीर कपूर ना आजकल बहुत ज्यादा तरक्की कर रहे हैं, क्योंकि संजू के बाद फिर उनके शमशेरा है, ब्रह्मास्त्र है, वगैरह वगैरह। लेकिन बात करता हूँ दोस्तों मैं संजू की, वन मैन मैनी लाइव्स। संजू फिल्म ने अपने दोस्तों 6 दिन के कलेक्शन की अगर मैं बात करूं तो 186.41 करोड़ कमा लिए हैं इंडियन बॉक्स ऑफिस में एंड हेडिंग टुवर्ड्स 200 करोड़ क्लब। अब आप लोग ये बात सुनकर हैरान हो गए होंगे कि यार इतना कैसे हो गया, राइट? तो चलिए बताता हूं कि 6th डे यानी कि वेंसडे को फिल्म ने कितना कमाया बॉक्स ऑफिस में, इंडियन बॉक्स ऑफिस में ऑब्वियसली। सो मंडे से लेकर अभी तक बता देता हूं मैं। मंडे को फिल्म ने दोस्तों 25.35 करोड़ का ट्रिमेंडस बिजनेस किया। उसके बाद ट्यूसडे को 22.10 करोड़ का, फिर वेंसडे आता है 18.90 करोड़। जी हां दोस्तों, 18.90 करोड़ का बिजनेस किया है इंडियन बॉक्स ऑफिस में फिल्म संजू ने। और संजू दर्शकों को पसंद आ रही है, लोग अपने फैमिली को लेकर जा रहे हैं साथ, लोग अपने दोस्तों को लेकर जा रहे हैं, गर्लफ्रेंड्स को लेकर जा रहे हैं, बॉयफ्रेंड्स वगैरह वगैरह जो भी हैं, सब लोग जा रहे हैं संजू देखने के लिए। क्यों? क्योंकि संजू देखने लायक पिक्चर है। राजकुमार हिरानी साहब का अति उत्तम डायरेक्शन है दोस्तों, स्टोरी लाइन अच्छी है, बाबा के रूप में अपना आर के भैया बहुत अच्छा लग रहा है, और रेस्ट ऑफ द कास्ट जो है स्पेशली परेश रावल साहब, मनीषा कोरियाला जी, दिया मिर्जा, अपने विक्की कौशल, और ये सारे ही बहुत ज्यादा अच्छे लग रहे हैं और कैरेक्टर को सूट हो रहे हैं दोस्तों। तो अभी तक आप लोगों ने संजू देखी कि नहीं ये मुझे बता दीजिए, और कितनी बार देख ली अगर देख ली है तो। प्लस साथ ही साथ ये भी बताइए कि 200 करोड़ क्लब पहुंचेंगे जब आरके की फिल्म, तो कितना ज्यादा आप खुशी मनाएंगे, मतलब आर यू गाइज एक्साइटेड फॉर दैट और नॉट? कमेंट सेक्शन में आरके को बधाई देना चाहते हैं तो वो भी बोल दीजिएगा। एंड इसी तरीके की अपडेट्स लाऊंगा मैं आपका यारों का यारा राहुल भोज। टेक केयर।